Hello everyone, I am Jenny from Rance Lab. Today is our topic about what is bulk up debt and why it's important. So, bulk up debts allow you to find all records. आइए हम देखते हैं कि ये हमारे सॉफ्टवेयर में कैसे वर्क करता है. सबसे पहले हम अपनी स्क्रीन को लॉगिन करेंगे ADM से. और हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि ये फ्यूजन ERP एक्सप्रेस एडिशन में नहीं वर्क करेगा, बाकी सारे एडिशंस में ये वर्क करेगा. इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ मास्टर डाटा स्क्रीन पे. तो उसके लिए हमें जाना है मास्टर डाटा मैनेजमेंट में, इन्वेंटरी में और प्रोडक्ट मैनेजमेंट में. ये है प्रोडक्ट की स्क्रीन, ये है डिस्प्ले जहाँ पे हमारे सारे प्रोडक्ट की डिटेल्स है. इसे हम Alt प्लस D से भी निकाल सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके भी. ये मेरे सारे प्रोडक्ट की डिटेल है जो मेरे सॉफ्टवेयर में जितने प्रोडक्ट हैं. आइए मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे ये टैक्स परचेज है, मेरे सॉफ्टवेयर में जितना भी डेटा है प्रोडक्ट मास्टर उस पे टैक्स परचेज पे टैक्स नन है. तो मैं चाहती हूँ कि इस पे मैं अपना टैक्स, जैसे GST टैक्स जितना भी लगाना चाहूँ मैं लगा पाऊँ. तो उसके लिए हमें एक एक करके प्रोडक्ट पे टैक्स लगाने हैं, बहुत मुश्किल होगा. उसके लिए क्या करेंगे, हम इसे सारे को सिलेक्ट कर लेंगे और Alt प्लस L करके 18% GST डन कर देंगे और इसे Alt प्लस S से सेव कर देंगे. अब मैं इसे दोबारा से Alt प्लस D करके प्रोडक्ट जब देखूंगी तो जो मेरा प्रोडक्ट पे टैक्स है आप देख सकते हो वो 18% GST सभी प्रोडक्ट्स पे लग चुका है. ऐसे ही करके आप अगर अपने ब्रांड का ब्रांड डालना चाहते हो, जैसे जब आपने प्रोडक्ट बनाया तब आप ब्रांड आपने सारे नन कर दिए, लेकिन अब आप चाहते हो कि आपको एक ब्रांड का नेम भी चाहिए, ब्रांड भी आप प्रोडक्ट मास्टर में डालना चाहते हो, तो आपको ऐसे ही करना है. जैसे ये मैंने सारे ब्रांड्स को सिलेक्ट करके आशीर्वाद का नेम देना चाहती हूँ मैं और इसे सेव कर दूंगी. तो जब आप देखोगे तो ये जितने भी प्रोडक्ट हैं ये आशीर्वाद ब्रांड के हो चुके हैं. ये देखो इन पे एक ब्रांड लग चुका है आशीर्वाद का. ऐसे ही करके आप भी इस पे फिल्टर लगा सकते हो. यहां से आशीर्वाद का लगाना है, जिसका भी आपने फिल्टर लगाना है आप लगा पाओगे. जैसे आपने 18% से कोई टैक्स को नन करना है तो आप नन का फिल्टर लगा दोगे तो सारे आपके पास जो नन वाले हैं वो टैक्स आपको शो होंगे. और अगर आपने देखना है कि 18% वाले मेरे पास कितने टैक्स हैं तो आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे फिल्टर लगा के. तो आपके पास उतने ही प्रोडक्ट ये शो करेगा जितनों पे टैक्स लगा हुआ है, वो प्रोडक्ट पहले शो करेगा आपको. इसमें आप किसी भी ग्रुप डिपार्टमेंट, किसी भी स्टॉक पे, जैसे आपको ये स्टॉक है, स्टॉक यूनिट है, इस पे सभी पे आपको KG करना है तो KG वाले प्रोडक्ट उठाएगा. जैसे ये मुझे पीस में नहीं चाहिए, मुझे इसे KG में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसे सिलेक्ट करके Alt प्लस S कर L करके लिस्ट निकाल के इन सबको मैं KG में कर दूंगी. गाइस, यू कैन फिल्टर मल्टीपल ट्रांजेक्शन और प्रोडक्ट मास्टर डिटेल्स. ओके, ये थे हमारे बल्क अपडेट्स. So thanks for watching my video. Please like, comment and share and subscribe also. Thank you.